हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है और टाइम भी मिल गया है, तो मैं निकल गया हूँ बाइक राइड के लिए। तो यहीं पे थोड़ा सा दूर 2 घंटे का सफर है, आगे वसई फोर्ट है। मैं कभी गया नहीं हूँ उधर, तो बस मैं वही देखने जा रहा हूँ। जो रास्ते में जो ग्रीनरी है वो बड़ी सुंदर है उस जगह पे, तो देखते हैं। काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि वसई फोर्ट एक बार देखना जरूरी है, तो जाने का जो रास्ता है वो भी बहुत अच्छा है और फोर्ट भी काफ़ी अच्छा है। चलते हैं उधर और रास्ते का व्यू भी इंजॉय करते हैं और फोर्ट भी चलते हैं। पेट्रोल भरा लेते हैं भाई एक बार, मेरे हिसाब से 500 रुपये का पेट्रोल इनफ रहेगा। वसई फोर्ट के बारे में कुछ चीज़ मैं पहले ही आपको बता दूँ कि वो ज़्यादा पुराना किला नहीं है, 400-500 साल कुछ पुराना है और उसके कई नाम चेंज हुए हैं। वसई हुआ है, पुर्तगालीज आए, मुगल्स आए, अंग्रेज आए, सब ने अपने अपने नाम करके लास्ट में आके वो वसई पड़ा। किसी टाइम पे वो किला हुआ करता था और ब्रिटिशर्स ने आके उसे अपनी एक कॉलोनी बना दी, तो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं देखते हुए चल के। और वहाँ पे कुछ फिल्म्स की शूटिंग भी हुई है, जैसे जोश करके जो फिल्म है शाहरुख खान और इनकी, और 2-3 पिक्चरें वहाँ पे हिट हुई है जो उनकी, तो वो वहाँ पे शूट हुई है। और हॉलीवुड के भी कई गाने कई मूवीज़ वहाँ पे शूट हुई है, तो उस वजह से वो थोड़ा हाई रेटेड हो गया है। मुंबई के अंदर रोड ट्रेवल बहुत ज़्यादा बोरिंग है यार, एक एक दो दो घंटे तक भाई एक ही जगह पे खड़े रहते हैं, सर फटना लग जाता है भाई। ये देखो भाई, ऐसे लोग खुद गिरते हैं और फिर दूसरों को भी गिराते हैं भाई। यहाँ से अभी हमको लेफ्ट लेके आगे जाना है और भाई बहुत ही खतरनाक मौसम हो रहा है, बारिश वाला, 100% बारिश आने वाली है भाई। आ गई भाई बारिश, फटाफट से रेनकोट पहन लेते हैं। रेनकोट पहनते ही बारिश बंद हो गई यार, पूरा आसमान साफ हो गया भाई, देख रहे हो ऊपर। रास्ता तो यहाँ पे भी काफ़ी हरा भरा है। फिर मुंबई से बाहर आते ही आपको हर जगह हरियाली मिलेगी, सिर्फ मुंबई के अंदर ही हर जगह ग्राउंड ही मिलेगी। बस बारिश से पूरी जगह ग्रीन हो गई है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई पानी के साथ, और ये हरियाली काफ़ी सुंदर लग रही है। इधर आते ही हवा भी काफ़ी ठंडी हो चुकी है, तो बाय रोड यहाँ पहुँचने में लगभग 3 घंटे लग गए हैं। एक्चुअल में हाईवे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है, वहाँ पे रोड बन रही है तो बहुत ट्रैफिक जाम है। तो फाइनली भाई अब जाके यहाँ मैं पहुँचा हूँ, और यहाँ पे बिल्कुल नेटवर्क नहीं है भाई, यहाँ पे आसपास कुछ खाने पीने का भी नहीं है, एक खाली सोडा वाटर शॉप है, वो भी छोटा सा ठेला लेके खड़ा है, तो पूरा खाली पड़ा है भाई फोर्ट आसपास। फोर्ट के बहुत कम लोग आसपास घूमने के मिल रहे हैं, पूरा खाली पड़ा है, पूरा मतलब थोड़ा खंडर सा है। ठीक है, ग्रीनरी काफ़ी अच्छी है इधर, यहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हो, बातें कर सकते हो, सिक्योरिटी हर जगह आपको मिल जाएगी, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड हर जगह घूमते हुए मिलेंगे। खैर इतना बड़ा फोर्ट नहीं है जितना उधर राजस्थान में जितने बड़े बड़े फोर्ट्स हैं, उतने बड़े फोर्ट तो नहीं है, बट ठीक है। यहाँ पे 3 अलग अलग फोर्ट हैं यहाँ पे, और काफ़ी हाइट में है, काफ़ी अच्छे हैं, अभी भी हालत काफ़ी अच्छी है इन सब की। तो भाई ये जो सामने अभी तुम देख रहे हो, ये उस टाइम का दरबार हुआ करता था, और यहाँ पे एक्चुअल में ये बिल्डिंग इतनी बड़ी बड़ी इसलिए है कि क्योंकि यहाँ पे आप थोड़ा सा ज़ोर से बोलोगे ना तो पूरी बिल्डिंग्स में इको होती है, तो इको के कारण सब लोगों को इजीली सुनाई देता था। तो कितना सिंपल सिस्टम लग रहा है भाई कि बिना माइक के आप उस टाइम पे बिना चिल्लाए आप बोल सकते हो, वो सबको सुनाई दे जाए। और तो सोचो अगर वो उस टाइम पे जब चिल्लाते होंगे तो भाई उनकी क्या ही आवाज़ लगती होगी यार। तो ये एक तरीके का मॉनसून ट्रिप है, पिकनिक स्पॉट भी नहीं बोल सकता, क्योंकि यहाँ मैंने पता करा तो यहाँ पे अंदर खाना पीना भी अलाउ नहीं है, इस वजह से यहाँ पे कुछ खाना पीना नहीं मिल रहा है। तो यार जगह तो ये काफ़ी खूबसूरत है, और यहाँ पे एक्चुअल में ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ से अपन चल के जाएंगे और पीछे की ओर एक दरवाज़ा है, उसके पीछे समुद्र है। ये मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे समुद्र भी है भाई, तो देखते हैं समुद्र ही है एक्चुअल में कि क्या है, चलते हैं फटाफट। तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूर में बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स अलग अलग बनी हुई है, लेकिन कहीं पे कुछ लिखा नहीं है कि ये बिल्डिंग क्या था, इसका ये किस पर्पज़ के लिए था, तो वही है, पता नहीं चल रहा है क्या है ये। तो चलते हैं अपन तो सीधा लास्ट में आखिरी दरवाजे पे, देखते हैं उसके पीछे एक्चुअल में क्या है, समुंदर है कि कोई झील है कि क्या है, मुझे नहीं मालूम। तो भाई अभी जस्ट मैं यहाँ पहुँचा हूँ,
जहाँ पे वसई से भैंडर जाने के लिए फेरी मिलती है, तो यहाँ पे रास्ता भी है जाने का, मुझे पता नहीं था यहाँ से रोड है। मैं अंदर से होता होता किधर आया हूँ, पर अंदर का रास्ता भी अच्छा था। तो भाई चलते हैं वापस अंदर फोर्ट के उधर, बाइक के पास में बाइक लेके निकलते हैं वापस मुंबई की ओर। अगर आप अपने दोस्त के साथ ऐसे ही किसी टूर पर जाना चाहते हैं तो उसे वीडियो जरूर शेयर करें, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखते रहिए चिकू साक्षी व्लॉग्स।